साथ मैच यहाँ पर शुरुआत हो गया है। पहला हाफ का मैच में जिस तरीके से बैठो रखता क्लब के पार्ट की इतने एक जीरो का बढ़त हुआ और बनाया हुआ है, वो लीड पर है, लेकिन बी एस के कॉलेज पर हर हुआ क्या वो गोल को वापसी कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा मुकाबला और दोनों टीम का एक ही लक्ष्य होगा कि मैं इस मैच में जीतूं और जीत करके सेमीफाइनल के लिए मैं अपना जगह को क्वालिफाई कर पाऊँ। दोनों टीम अच्छा मैच को खेलने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ से मैं जल्द ही माइक्रोफोन पर जुड़ने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर मेरे जो सीनियर है राजेंद्र का और रिंकू का इस मैच कार्य का विश्लेषण देने के लिए दोनों मिलकर दूसरे हाथ का मैच को आलम बतौरा बतौर गए पूछले राजेंद्र का और रिंकू का अपना स्वागत है। बतौर मैच को सर्व प्रथम मैं रिंकू का से पहले आप जाइए और मैच जिस तरीके से यहाँ पर बाबू सिंह ने गोल लगा करके एक जीरो का बढ़त बनाया और दूसरे हाफ का मैच को शुरुआत वो कर लिए हैं, लेकिन बी एस के बोलर के लिए एक बड़ा चुनौती यहाँ पर उसके तरफ से वैसा भूलना हो वैसा अच्छी बात, लेकिन वो अपना गलती को सुधारते हुए यहाँ पर मैच को वापस करने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल बादल जो बात आपने कहा बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर बी एस के लिए तो गलती हुई है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये लेकिन जिस तरह से इस मैच का जो अनुमान किया जा रहा था हाई एडवांटेज का रहेगा और बी एस के कॉलेज की तरफ से जो कमाल देखने को मिलने वाला था वो आया। इस तरह से शाहरुख ने गोल मार करके यहाँ पर टीम से पीछे करवाना यहाँ पर मजबूर कर दिया है बीएसके को। पहला गोल मारा था उसकी दिक्कत श्रीकांत सोरेन ने पहला गोल मारा, दूसरा ने बाबूलाल सोरेन ने दूसरा गोल मारा और तीसरा गोल समीर बेसरा, तो उनकी टीम में यहाँ पर गोल मशीनों की कमी नहीं है। एक से एक खिलाड़ियों का सिलेक्शन उनके टीम मैनेजर ने किया है, लेकिन दूसरे देश के बात करें तो वातावरण में थोड़ा सा जो प्रदर्शन है उतना बेहतर नहीं हुआ है बीएससी कॉलेज का और उसकी टीम मैनेजर अभी तक खुश नहीं है उसकी टीम से खिलाड़ियों के प्रदर्शन से। और देखना होगा आपकी गोल की बात है अजय हंसदा बहुत बेहतरीन पास, लाजवाब अंडरस्टैंडिंग ये खिलाड़ी किसी भी खिलाड़ी के साथ ही बेहतर और इससे समय से छोटू की टीम देखना होगा पंद्रह देर के बाद दबाने माफ करती है मना पड़ेगा यहाँ पर ये बहुत बेहतर लेकिन यहाँ पर जबरदस्त मंडी चांस मिलेगा दूसरे हाफ का खेल शुरू हो गया है, लेकिन इसके बाद जो मैच हो रहा है उसके लिए भी आप दोनों टीम सभी से पूरी तैयारी के साथ रहिएगा। एफसी इलाहाबाद और एसके ए हटापा झरना पर दोनों टीम के प्रबंधक पूरी तैयारी के साथ रहिए। आपका मैच है यानी इस मैच से तुरंत तो अभी से पूरी तैयारी के साथ रहिए, देखिए समय कम है 3:48 हो गया है। खराब शॉट और इसी शॉट से इस तरह से खेलने से कितना आपसे उम्मीद किया जाएगा सर। बी एस के कॉलेज से बड़े उम्मीद है और उसका जो विजय रहा था पिछले दो साल का आप रिकॉर्ड को देखें उतना अच्छा रहा है और यहाँ क्वार्टर में पीछे की जगह पीछे नहीं मात्र एक शून्य से और बिल्कुल मैदान में रहा है।
नहीं तो जिस प्रकार से यहाँ पर लय पर दिख रहा है कुछ कहना मुश्किल है। और दोनों को पता है, दोनों टीम एक दूसरे खिलाड़ी को भली भांति जानते कि इसका लय, इसका शैली, इसका स्तर काफी हर चीज से वाकिफ है। तो यहाँ इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा राजेंद्र। और ये सेकेंड हाफ का मैच चला जाता है, सेकेंड हाफ में यहाँ से क्या खतरा आ सकता है अजय के पास। खाता बोल क्या सुंदर तरीके से ये बिल्कुल अजय हंसदा के पास स्पेस था, लेकिन फर्स्ट टाइम शॉट वहां पर लिया लवर तो नहीं घूमता सचे अजय हमका पहले बोलना चाहिए, पहले का मैच नहीं और इस मैच नहीं होने के बाद लेकिन बहुत बेहतर खेला, अच्छा असिस्ट विकेट लिए हैं उन्होंने। पिकुल पिछला मैच में पिकुल की गोल से एक गोल से विकेट लिया था फर्स्ट राउंड का मैच और छीन लिया था मुकाबले को। आपके पास का जब अपना है, आपके पास एक से एक प्लेयरों का भरपूर सिलेक्शन किए हैं, आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। सिर्फ खान जैसे खिलाड़ी सभी बेसरा जैसे, उसके बाद आप जाकर लाइसेंस जैसे मंदिर जैसे ये भारत किया है कि यहाँ पर लाइसेंस तो दो पास में इतने रेशे चाहिए और पहले यहाँ पास निकाल के तो बेहतर रहता है, लेकिन थोड़ा सा लेट की छोटी जोर है पूरे खत्म हो गया ताला सुना ये बहुत बड़ी खत्म हो जाते हैं पूरे लेकिन ये ताला सुने में नहीं बहुत सारे दोनों टीम साथ में क्या चबा कन्या फिर बहुत सारे खिलाड़ी को एक्सपीरियंस हो गया पर उसको लंबा खेलने का चले बहुत ही बहुत अच्छे से खेलने का मैच है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए अजय क्या बॉल तक पहुंच पाएंगे अजय, लेकिन वहां पर अच्छा करते हुए बीएससी कॉलेज के डिफेंडर भी यहां पर बहुत बेहतर किया, लेकिन यहां पर अजय एक बार आगे आते हुए लेकिन इसके और जहां आई निर्णय थी पर मैं खाते दर ही ना था मतलब रहा लेकिन गोल की
और आपने सही कहा कि तैयारी करना पड़ता है एग्जाम देने के लिए, तो सही बात है। तो उसी क्रम में मैं बात कहना चाहूंगा कि हर परिश्रम करता को सफलता नहीं मिलती है, हर परिश्रम करता को सफलता नहीं मिलती, परंतु जिसको भी सफलता मिलती है उसके पीछे कहीं ना कहीं परिश्रम का ही हाथ होता है। तो आप भले आपको गोल नहीं मिला, आप गोल नहीं हो पाए थे, लेकिन आपको प्रयास करना है, क्योंकि प्रयास से ही आप इस मंजिल पर पहुंच सकते हैं। यहाँ फिर से एक बार रमसे के पास बॉल है, छोटा सा एक चीज मैं देख रहा हूँ, ताला सो एक जगह जाना चाह रहे, एक बार दो बोले दो बार बोले अच्छे खिलाड़ी और बहुत अच्छा घटना डिफेंसिव जीती गई करते हैं होना भी चाहिए। अजय अजय इतना सा रन बना के गति इस खिलाड़ी ने सर, लेकिन आज गोल ना मारा इस बात कम कर रहे थे, लेकिन बहुत बेहतर बोलते हैं और किया भी है बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट और मैं अपनी बात मारा तो सब्सिट्यूशन ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है, बहुत ही लाजवाब बहुत उनका, उन्होंने गोल के लिए दूसरे को इस तरह का चांसेस दिया गया है, लेकिन अजय द्वारा अब तक गोल नहीं आया है। और फिलहाल जो खतरा था वो चल गया, लेकिन राजेंद्र यहाँ समय कहा जाए तो सेकेंड हाफ का बहुत कम है और मेहनत यहाँ की कॉलेज को काफी ज्यादा करना होगा, तो देखना होगा क्या मेहनत रंग लाएगा। फिलहाल यहाँ बारिश की धूप छमछमाती ही हमारे घर के साथ, लेकिन गोल बस एक आया है। इस प्रकार से दोनों टीमों का खेल साथ यहाँ लोगों को यहाँ के टीम का चाह रहा है 14 नंबर को बाहर बुलाया जा रहा है, मंसूर इक्का का 14 नंबर का खिलाड़ी को बाहर बुलाया जा रहा है।